नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अमृताज वेज किचन। दोस्तों आज हम केसर फ्लेवर श्रीखंड बनाएंगे, तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। श्रीखंड बनाने के लिए हमें चाहिए दही, 1.5 किलो दही है, 500 ग्राम चीनी है और 1 छोटा चम्मच केसर। ये दही जो है इसको हमें इस तरह के कपड़े में डालकर बांधना है, तो ये दही हम इसमें डालेंगे। हमें इसे रात भर इस तरह बांध के रखना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। देखिए, ये जो दही को हमने बांध के रखा था उसमें से पूरा पानी निकल चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए, ये दही को हमने निकाल लिया है, इसमें हम चीनी मिक्स कर लेंगे। ये चीनी मिक्स हो चुकी है, अब इसको हम चीनी पिघलने तक ढककर रख देंगे। देखिए, इसमें हमने चीनी मिक्स कर ली है और ये जो केसर है, क्योंकि हम केसर फ्लेवर श्रीखंड बना रहे हैं तो केसर हम इसमें अभी से डाल देंगे। इसे भी बराबर मिक्स कर लेंगे। इसमें पहले से केसर इसलिए डालना है ताकि केसर का जो फ्लेवर और कलर दोनों के दोनों इसमें आ जाए। ये मिक्स हो चुका है और एक बात का खास ध्यान रखें कि श्रीखंड के लिए दही जो है वो खट्टा होना चाहिए और ये दही बहुत ज़्यादा खट्टा है, उस हिसाब से मैंने इसमें 500 ग्राम चीनी डाली है। अगर आपका दही खट्टा ना हो तो उसमें चीनी आप उस हिसाब से डालिए, दही के खट्टेपन के हिसाब से चीनी का नाप होना चाहिए। इसको हम ढककर रख देंगे, चीनी को पिघलने देना है तो चीनी पिघलने तक इसको हम ढककर रख देंगे। इसमें चीनी पिघल चुकी है, अब इसे हम पीस लेंगे। इसे मिक्सर में नहीं पीसना है, अगर इसे हम मिक्सर में पीसेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा, तो इसे हम हैंड मिक्सर में ही पीसेंगे। इसे हम पीस लेंगे। ये हमारा केसर श्रीखंड तैयार है, इसे हम ठंडा करके फिर सर्व करेंगे। ये हमारा केसर श्रीखंड बनके तैयार है, तो आप भी बनाइए और मुझे बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।